नमस्ते नमस्ते बो संवाददाता जी ऊपर देखिए चले चल आज हम निकले रूपकुंड की सवारी की। आज का प्लान हमारा अभी बेतनी बुबियाल फिर उसके बाद हमारा आगे पास फिर बगुआसा से हम रूपकुंड जाएंगे। पसीना बहुत हो गया, गर्मी एकदम से बढ़ रही है ना। हाँ हाँ वो भी है, लेकिन वैसे भी ना पसीना को पता नहीं ज्यादा आता है। सब अच्छा है, अभी मजा आ रहा है। अभी हम कुर्तोली पाताल पे आ चुके हैं, इसके बाद अभी हम पहुँचने वाले, मतलब आए नहीं, 5 मिनट हम लग जाएंगे ऑलमोस्ट पहुँचने में। उसके बाद हम बेदनी के आगे पात, फिर उसके आगे हम कल बगुआसा देखते हैं, फिर बगुआसा जितना हो सका शायद उम्मीद करते हैं परस तो रुपये गली हुई वो समिट पूरा कर लें। बाकी आपको अपडेट करते रहते हैं जो लोगों को। आगे को निकलते हुए अपने भाई प्रदीप भाई के साथ और बाकी सारे अब हम बेदनी बुग्याल जाएंगे, जो लगभग शायद 3 किलोमीटर है यहाँ से। हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगना चाहिए यहाँ से, 1.5 या 2 घंटे मैक्सिमम। चलिए आगे चलते रहते हैं। अब सही है यार, मैं तो ले लगा के जैसे गैस चालू होती है, सही लग रही है। अच्छा लग रहा है ना भैया, एक बार के लिए हमने सोचा था जबकि वान से जाए, वान से हम स्टोव का जुगाड़ करें नीचे जाके गाँव से, बट तब तक रास्ते में कोई भाई लोग मिल गए थे, जब इन लोगों को देखा तो वो भी वहीं जा रहे थे, तो हमने बोला उनका स्टोव था तो हमने साथ ही में उनके अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। ये वो है त्रिशूल, वहाँ त्रिशूल हमने उसी के नीचे, ये हमारे मित्र हितेश आर्यन, शक्ल दिखाई अपनी, कुछ बोलेंगे नहीं, थक हारते हो रहे हमारे कैमरामैन हितेश सर यार, सॉरी ये हमारे संवाददाता है। आइए बिरजू आ गया पीछे से, बिरजू नाम है आपको आगे का दिखाएं थोड़ा, देखिए ये भाई हमको रास्ते में मिले हैं। भाई आज भाई लोगों के साथ हम रूपकुंड के लिए निकले हैं, बेदनी बुग्याल। इधर कमर पे रखना, इसमें बन ही नहीं पा रहा है, इसमें सब खंडे में लखनऊ पर रखा है। Stop yourself from loving such a sight.
हवा साफ है। और हम आ चुके हैं अभी पेटनी को, क्या थोड़ा आराम करके आगे निकलेंगे बात तक, फिर वहाँ से हम स्टॉप पे भी रख, आज का हमारा स्टॉप है बात। बेदनी बुग्याल के बारे में कहानी थी कि यहाँ पे सारे वेद लिखा गए थे, यहाँ पे मंदिर हुआ करते थे पहले, सारे वेद लिखे गए थे, फिर आप बोलते कि यहाँ से पूरा पहाड़ नीचे आ गया था तो सारे के सारे यहाँ पे मंदिर ढक चुके थे। अभी भी आप कुछ कुछ मंदिर दिख जाएंगे जो अब बनाए गए हैं, बट बहुत प्यारी जगह है। ये हमारे संवाददाता हितेश, उनके पीछे हमारा जादू बट मजा आ रहा है। आपको ताल दिख रहा है एक, शायद ना दिख रहा हूँ आपको, जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा ताल, देखिए हर घर का पानी बह रहा है उसमें। ये रोड है आपकी, देखिए अली बुग्याल से आती है रोड। अब वो रहे हमारे संवाददाता, ये रहा हमारा एक और दोस्त। मर के जाना पड़ेगा, ओ गड्ढा। आराम से जैसे आराम से भाई, नीचे कुछ नहीं है। फिर देखिए चांदी चमक रही नीचे, कितना टाइम लग जाएगा अभी क्या? एक घंटा और, एक घंटा लग जाएगा क्योंकि स्लो ही चलते हैं ना। हाँ एक घंटा और लग जाएगा अभी हमको यहाँ से, काफी क्या हो? चल 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 ऊपर रुकेंगे, देखो जहाँ पे कोई है भैया पहुँच रहे, वहाँ रुकेंगे। कल हमने उस चोटी पे जाना है, तब तक हितेश आपको एक गाना सुनाएगा, खुटू मा खुटू। देखिए दूर से टेंट दिखा, और आज हम यहीं पे अपना टेंट लगाएंगे, यहीं पे हम खाना खाएंगे,
फिर यहाँ से हमको ऊपर जाना है। तो इस टाइम मौज मस्ती। ओ शिव जी का बागान सची फूल फूल्या छना, हाँ फूल फूल्या छना, हाँ फूल फूल्या छना, हाँ। ये देखिए अब यहीं पे अपना कैंप लगाएंगे या फिर इन्हीं के अंदर हम आज रुकेंगे। कैसे हो? और ये हमारे ये हेलो रियल से रीच लो बैटरी। यहाँ हम आज रुकेंगे रात में, नहीं रुकने के लिए खाली घर मारेंगे, इधर सोने के लिए लो। अच्छा एक जगह पार्टी और एक जगह स्लीपिंग रूम, यहाँ हम आज रात को विश्राम करेंगे। ये देखिए ये ना चाय है ना ये कोई ऐसी गलत चीज है, ये इस टाइम एक सुकून है भाई। मीठा कम है, ये देखो शिकायत आ गई, शिकायत आ गई। ज्यादा डालना क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। मानस भैया यहाँ पानी नहीं है ना तो चाय पी लो। अरे नवीन भैया ये देखिए भैया की अरे कलाकारी देख रहे किनले। सर तीन चम्मच चीनी सर प्लीज, थ्री स्पून। जैसे हमारा मग आज बड़ा है हम पांच भी डाल सकते हैं। ये हमारे प्रदीप भैया शेफ प्रदीप खाने की तैयारी कर रहे हैं और हमारा कल का ईंधन तो देखिए ये रहा। बर्फ को पिघला के कल हम पानी बनाएंगे। देख रहे हैं आप उड़ता हुआ धुआं। अरे गरम यार, खाने इतना गरम नहीं है। ये सो द डिनर इज सर्वड, हाउ इज इट ब्रो? सेक्सी। तो आज रात को हम इतना टेस्टी डिनर खाने वाले हैं। सो सुबह के 7 बज रहे हैं अभी हम, और आगे हम जाने की बीमारी है बगुआसा। कल रात को हम 6 बजे यहाँ पे पहुँचे थे, अब बिना स्टॉप लिए हम नीचे वन ग्लेशियर यहाँ तक, बिना स्टॉप मतलब बीच बीच में रुक रुक के, लेकिन सीधा हम वन से यहीं पे आए और आज हम ऊपर वहाँ बगुआसा जाएंगे। रात को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत तो हुई थी सोने में, थोड़ी सी मैट नहीं था उसके कारण थोड़ी ठंडी नीचे से आ रही थी ऊपर, बट जैसे तैसे सब हो गया। अभी हमने खिचड़ी खाई है रात को, प्रदीप भाई का अच्छा सा टेस्टी सा बनाया उन्होंने दाल चावल, और अभी बस हम आगे निकलने की तैयारी करते हैं। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, सो वी आर लेफ्ट पातनाचनी एंड द एम इज टू गो एज क्लोज टू रूपकुंड एज वी कैन एंड दैट्स शूट। हे शूट, ए शूट 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 शूट। अरे प्रदीप भैया देखिए हम कालू विनायक मंदिर पीछे आपके दिख रहा होगा, माउंट गोम नंदा गोमटी और उधर साइड है माउंट त्रिशूल। देखिए माउंट त्रिशूल और ये रहा नंदा गोमटी। कमर तक बर्फ पड़ी है, अभी हम चले जा रहे हैं बगुआसा की ओर। एनर्जी लेवल भी डाउन हो रहा है, बट कोशिश करते हैं जहाँ तक जा पाएंगे पूरी ट्राई करेंगे।
आप देख सकते हैं ट्रेल कम से कम 2.5 फीट बर्फ यहाँ पे जमी पड़ी है। और शूट क्या कर रहा भाई तू, ये शूट बहुत खुश हो रखा है यहाँ बर्फ में आके, इसके खुशी का ठिकाना बिल्कुल दिख नहीं रहा है, बिल्कुल दौड़े जा रहे हैं। शूट कहाँ है बच्चे, आते रहे फिर से साथ करियो गई वाली ये चुके हैं ऑलमोस्ट बगवासा से थोड़ा कितना रहा होगा, करीब 300-400 मीटर पहले हमने वापसी ले ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ थी, मतलब करीब कमर से ऊपर पेट तक बर्फ आ रही थी और थोड़ा हमारे इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इसलिए हम नहीं कर पाए उसके आगे तक, बट कोई जितना भी था बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके और उम्मीद है और अपने भरोसा भी है कि अगले साल अगर टाइम मिला तो इसको करके ही जाएंगे, तब तक थोड़ी फिटनेस लेवल भी बढ़ जाएगी। बाकी अभी साथ वाले हमारे गए, उम्मीद करते कि वो पूरा करके ही आए आज, हमें भी अच्छा लगेगा। तब तक ले बाय, हमारे संवाददाता दस मिली संवाददाता जी पानी भर रहे थे, संवाददाता जी देखिए ये पानी भर रहा है।